सरला, उस दो कौड़ी की लड़की की तरफदारी की भगवान ने हमें गलत साबित किया। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया कैसे पलट सकते हैं? देखो अम्मा, हम ऐसा करते हैं कि हम है ना, दो तीन दिन तक हम शांति सदन नहीं आते हैं। कहे से ना कि वो जो तुम्हारी जो मॉडर्न पोता बहू है ना, वो कहीं हमें भी अपने लपेटे में ना ले ले। ना ना, ये सब फोटो वोटो का हुआ है ना, तू थोड़े दिन आना ही मत इधर है, तेरा मान सम्मान नहीं होगा यहाँ पे। अगर हमारा मान सम्मान नहीं हुआ ना, तो हम तो छोड़ के तुम्हारे घर आ जाएंगे, बता रहे। हमारे घर? हमारे घर का है मतलब? हमारे घर का मतलब हम ही कहना चाहते हैं अम्मा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन ठीक बात है का? तुम अपना घर अपने परिवार से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो अम्मा? नहीं नहीं, तुम अपनी झूला गाड़ी छोड़ोगी नहीं अम्मा, वहीं डट के बैठी रहो, वरना अपनी मॉडर्न पोता बहू को तो जानती हो ना, वो अपने बाप को लाएगी और वहां लाके बिठा देगी। नहीं, तुम अपने घर में ही डटी रहो और वहीं से अपनी लड़ाई लड़ो, वहीं तुम अपना मान सम्मान वापस बचा सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम फोन रखते हैं। हम अभी बाद में फोन करेंगे। है अम्मा? पाय लगी, तुम चिंता ना करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम वहीं डटी रहो। है? अच्छा नमस्ते अम्मा, दोबारा फोन करेंगे। हाँ, हे भगवान, ये सब कहाँ हो रहा है? हम कौनों इतने कम अकल नहीं है कि अम्मा को अपने घर में ला के बिठा लेंगे। उनके परपंचों के कारण तो हमें अपने घर में ही खुद दाना पानी नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं, क्या करें? ताजी ताजी सब्जी ले लो। मटर कैसे दे रहे हो भैया? जी 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो? जी भगवान जान, ले लो 2 पाव किलो। एक मिनट बहन जी, ये लीजिए। हाँ बहन जी, 1 पाव किलो। हाँ जरा वो जरा गाजर भी जरा देखना, हमें जरा छांट छांट के देना। हाँ बढ़िया बढ़िया गाजर दे रहे हैं आपको। वो प्याज भी देख लेना थोड़े कोने से। जी 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 जी, वो जो हरे वाले हैं ना, वो देखो कोने में प्याज अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी हाँ। बस ठीक है, गाजर का इधर, मटर मांग रहे भैया, क्या कर रहे हो? हम तो मटर मांगे थे ना। अरे हमको ऐसा लगा कि आप गाजर ही मांग रहे। हमने तो कहा खाली देखो, देखने में अच्छी लग रही, रख दो वापस, रख दो। मटर दे दो 1 पाव किलो। जी, तुम्हें मालूम है पहले ना हमारी अम्मा के यहाँ से हमारे डब्बे में कचौरियाँ आती थी मटर की। वाह वाह, भाभी बनाती थी, हम खाते थे, बहुत मजा आता था कसम से। अरे बहना आ गई, चैन नहीं पड़ता अपने घर में या घर वालों ने बाहर निकाल दिया है? छज्जे पर ही रहती हो का? भैया इन्हें ऊपर देखो, ये परवा चाची है, देखो देखो। हाँ ये यही तंगी मिलेगी हमेशा, घर वालों ने निकाल दिया है, छज्जे में रहती है। भाभी बहना, तुमको पता नहीं है कि मटर तो भाई इतनी महंगी है, लेकिन सरला अब तो महंगाई का रोना कहाँ ही रो रही हो। हमने तो सुना है कि तुमने अपनी अम्मा जी के साथ मेल मिलाप कर लिया है। वैसे आजकल तुम्हारे पति देव भी अच्छा खासा कमा रहे हैं भाई, लंगर लगाए बैठे हैं, लोगों में साड़ियां बांट रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या मतलब है तुम्हारा, साड़ियां बांट रहे हैं क्या मतलब? हे भगवान, पापा जी की पोल पट्टी खुलने वाली है, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बात चाची को कैसे पता? अरे सरला, हम अभी समदी जी के ठेले से आए हैं, हमने देखा निर्मला जी को क्या साड़ी दे रखी है। वैसे सरला, साड़ी तो तुमने भी लगता है कि नई पहन रखी है। भाई सही है, संभी जी के पास सबको देने के लिए पैसे हैं, फिर बिंदु कहीं रोना रोती रहती है। का चाची, कोई काम नहीं है का? है हमारे घर के बीच में मत बोला करो। अरे निर्मला जी कब से तुम्हारे घर की हो गई है? अरे गिरा दिए सारे मटर, है कहाँ देखती है, कहाँ चलती है, चल उठा। चल परी, अब ना मॉम जी को शॉक देने का टाइम आ गया है, आज ही से ड्रामा शुरू कर दे। बड़ा जोश चढ़ा है ना मॉम जी को बहू लाने का, बहू चाहिए बहू चाहिए, सब ठंडा हो जाएगा। मॉम जी, आई एम कमिंग।
तुमको किस चीज की चिंता, पैर पे पैर धर के बैठी रहती हो। और नहीं तो क्या, किस्मत वाली हो, नाती पोते देख लिए तुमने, हर कोई ऐसा नसीब वाला नहीं होता ना। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? मॉम जी, ओ गॉड, हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? हम तुमसे आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, करते हैं ना हम आराम से। मॉम जी। हाँ हाँ हाँ, करते हैं। फोन रख रहे हैं। मॉम जी, माय हेड इज मूविंग राउंड राउंड सर्कल्स। नाश्ता खाई हो, कुछ ठूसी हो सुबह से? मॉम जी, चक्कर आ रहे हमें। अरे कुछ सुबह से ठूसी हो का? हाँ। माय हेड ईटिंग सर्कल सर्कल सिर। अरे का हुआ? देखते हैं। सोनल। हाँ मम्मी। सोनल, तेरे पापा जी कहाँ गए? किधर गए हैं बता हमें? हम कहते हैं समझ के कहाँ रखा है इन्होंने? हाँ, कहाँ समझते हैं? हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। किधर गए हैं ये? हाँ, जब देखो तब उल्टी सीधी हरकतें। हम परेशान आ गए हैं इस आदमी से। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा कितने सीधे हैं। कितने सीधे हैं? जलेबी की तरह सीधे हैं। अभी बताएंगे ना क्या कांड किया है वो। रहने दो, तुम क्या समझोगी? हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मालूम है वो सब लोगों को साड़ियां बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, और हम यहाँ 60 रुपए किलो मटर खाने के लिए तरस रहे हैं। बताओ, तुम्हारे पापा जी के ना रंग ढंग बदल गए हैं बेटा। हमें तो डर है कहीं तुम अनाथ ना हो जाओ। तुम्हारे पापा जी ना कहीं हम सबको छोड़ के भाग रहे हैं। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बात का बतंगड़ बना रही है। अरे बतंगड़ तो है, हम का बनाएंगे? हाँ नहीं तो कहाँ समझ के रखे हो तुम? हम का उन्हें छोड़ देंगे? खींच खाच के अभी घर लेकर आते हैं, डिबरी टाइट कर देंगे उनकी। कहाँ समझे हैं वो हमको? आज उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। लाओ जी इधर। मम्मी जी, कोनो बड़ा कांड खेलने वाली है, हमको तो जाके देखना पाहिए। सोनल, हम आते हैं। हाँ, ठीक है भाभी। साड़ी उतार। बहुत हिम्मत के हवाई जहाज उड़ा रही है। हमारे हस्बैंड की दी हुई साड़ी पहन के हमारे सामने खड़ी हुई है। उतारी साड़ी हम कहते हैं। क्या कर रही हो जीजी? हम अभी दूसरी साड़ी कहाँ से लाएंगे? हमें क्या पता, छलनी पहन के खड़ी रही यहाँ। हमें कुछ नहीं समझ में आता। चल जा किसी पेड़ के पीछे साड़ी उतार। क्या बोल रही हो जीजी? लोग देख रहे हैं। ऐसे मत बोलो। लोग देख रहे हैं भाई साहब? देखो जरा इसे, इसे अपनी इज्जत की इतनी परवाह थी तो इसने छुप छुप के हमारे आदमी से गिफ्ट काहे ली? जा साड़ी बदल के आ। हमें ये साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, समझी? उतार साड़ी, उतार उतार उतार। हे भगवान, हम तो आपको मान गए। जो औरत हमेशा हमको अपने एजी ओजी से अलग लगाने पे तुली रहती है ना, आज उसको सजा मिल गई। अब इनको पता चलेगा कि पति का प्यार नहीं मिलता ना तो कैसा लगता है। अरे वाह रनिया, आज तो तुम्हारे दिल के अरमान तुम्हारी जुबान पे आ रहे हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले तक तो बोल रही थी कि हमारे घर के मामले में मत बोलो चाची, अब क्या हुआ है? क्या है ना चाची, हम बस ड्रामा देख रहे हैं, तो तुम भी यहाँ खड़े होकर ड्रामा देखो ना। मुफ्त के कपड़े लेने का बहुत शौक है, बताओ भाई साहब, बताओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम कहते हैं आज तो हम इस चाची भतीजी के भजिए ही तल देंगे। मम्मी जी, क्या कर रही हो? रख दीजिए ना, ये सब खेल नहीं खेला करो। खेल क्या खेला करो, तुम कर कर रही हो यहाँ? अरे किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ आने के लिए, बोलो। अरे श्रीमती जी, एक मिनट, एक मिनट। श्रीमती जी, ये क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मतलब है बहुत शरीफ बनते हो, दोहे सुनाते हो, लोगों को बोर करते हो। देख ली तुम्हारी तरफ सब बोल पट्टी।
फैक्ट्री खुल चुकी है यहाँ। छुप छुप के लोगों को साड़ियां बांटते हो तुम। हमने सब पता कर लिया है, हमें पता है यहाँ का ड्रामा चल रहा है। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? यही कि तुम रंगरेलियां मना रहे हो। अभी बात कागज में छपवाएंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा का? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सोच समझ के तो बोलो, क्या बोल रही हो है? अरे एक औरत होकर इतनी सी बात नहीं समझती? ठंड इतनी पड़ रही है, पतली सूती साड़ी पहनकर घूमती है ये। इसको ठंड लगती भी है तो ये कुछ नहीं कहती। इसमें एक साड़ी खरीद के दे दी तो क्या हर्ज है? और ये बात आपको बताई किसने जरा? ये जो है ना, ये बिना एंटी ने कर रेड हुआ, ये हमारी सम्मानित समधन, इसने प्रभा ने बताया। देखो कैसे दांत दिखा रही है बेशरम। प्रभा जी, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी ओछी बात करते हुए। और तुम क्या हो? काहे? अरे एक औरत होकर एक औरत के खिलाफ ही खड़ी हो? अरे जरा समझो, बड़ी बेसहारा बड़ी लाचार औरत है ये, और इसके बेसहार की पर तुम इसी का अपमान कर रही हो। याद रखना, ये मजाक किसी और का नहीं हो रहा, तुम्हारा ही हो रहा है, समझी ना? अरे एक बेबस लाचार औरत की मदद कर दी तो क्या बुरा किया हमने? बुरा किया? छुप छुप के काहे मदद की, हमें काहे नहीं बताया? तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता था तुम ऐसा ही कुछ परपंच करोगी, और यही तुमने किया। कुछ छुपाने का शौक नहीं है हमें। बहुत बड़ी हुज्जत हो गई आज हमसे। इतने सालों में जो नहीं किया था हमने, आज वो कर दिया। अम्मा से ऊंची आवाज में बात की आज। सही किया का हमने, ये बहुरिया के साथ देखे। अम्मा के विरुद्ध जाके पर एक ससुर होने के नाते हमारे लिए जरूरी था भाई कि हम बहुरिया का साथ देते, क्योंकि हमें लगा कि जो हुआ वो गलत हुआ। मलका ने एक बात बताया तुम्हें, अपने घर वालों पे इतना अविश्वास अगर दिखाओ ना तो उसका फायदा हमेशा बाहर वाला उठा के लेके जाता। याद रखना इस बात को। अग्नि परीक्षा दिलवा दी बहुरिया से, मतलब का जरूरत थी करने की इतना अविश्वास? कुछ भी करे आज हो गया जो कितने सालों में नहीं हुआ था। मां के ऊपर इस तरीके से अपनी आवाज ऊंची करना, तुम बदल गए हो भाइयों और बहनों, ये आदमी हमसे बदल गया है, देख लो इसको। तुम हमें और हमारे बच्चों को छोड़ के चले जाओगे ना? इसी से पता चलता है कि तुमने आज तक मुझे पहचाना नहीं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बना न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? अरे श्रीमती जी, आपको देखे बगैर हमसे रहा नहीं जाता, तो आप कह रही हैं आपको छोड़ देंगे, और छोड़ भी दिया तो जाएंगे कहाँ? ये तो पराई औरत है, तुम तो अपनी हो। तुम बोलो तो अभी कभी इसको बोले ठेला छोड़ के चली जाए। हाँ, चली जाओ। चली जाएंगी जीजी,
फिर आपको लगता है ना ये गलत कर रहे हैं हम ये ठेला छोड़कर चले जाएंगे, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे अपने लिए। अगर इसने ठेला छोड़ दिया तो इनसे तो ठेले पे अकेले कुछ काम नहीं होगा, घर में पैसा खाना सब आना बंद हो जाएगा। नहीं, रहने दो इसे, अगर ये काम करना चाहती है तो करती रहे, हमें कोनो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम तमीज के दायरे में रहकर काम करो, समझी? खबरदार। देखो, हमसे बिना पूछे एक सुई भी इसको दिया है ना, आग लगा देंगे हम दुनिया में, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाओगी सरला? शांति सदन? इतना अम्मा जी को निचोड़ोगी ना? तू अपना मुंह बंद करेगी या फाड़े डाले? बस बस, चल निकलो यहाँ से, चल निकल, हो गया तमाशा खत्म, जाओ भाई, हो गया। एक मिनट रुको, बिना समोसे खरीदे मत जाना, तमाशा देखा है ना, समोसे लो, चलो लाइन बनाओ, इधर चलो लाइन बनाओ। अरे ओ फोकटिया बेशरम, क्या कोई ने बुलाया था तुझे? जब देखो चश्मा लगा के खड़ी रहती है, चल जा यहाँ से, जा घर बार संभाल जाके अपना। हाँ जा रहे जा रहे, निकल चलो, निकल चलो, निकल। श्रीमती जी, हम वादा करते हैं हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, आगे से हर बात हम आपको बता कर ही करेंगे। ठीक है तो फिर हम जा रहे हैं। याद रखना जो हम कहे। अच्छा, घर जल्दी आ जाना। हाँ बेचो बेचो, लाइन लगी है। मैं तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, I'm sorry। तुम्हें भी बहुत सुनना पड़ा मेरी वजह से, I'm sorry too। और शिवम सच बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। प्रिया प्लीज प्लीज, कुछ प्रिया प्लीज, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती हो और ना ही कभी कुछ करोगे, और ना ही मुझे इसके बारे में बात करनी है। लेकिन एक शिकायत है तुमसे, तुम इतनी अकेली कैसे पड़ गई? हाँ, कैसे सोच ले कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मेरा हाल क्या होगा यहां पर तुम्हारे बिना? I love you। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, I'm sorry। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।